नो नो हैं। दोस्तों दोस्तों आप दोस्तों आपको मेरा नाम नहीं पता है दोस्तों श्रीलंका तो नाम बता देता हूँ मेरा, मेरा नाम है दोस्तों राज आपका स्वागत है दोस्तों स्पोर्ट्स कमेंट्री विद आरजे और राज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर तो हम चाहेंगे दोस्तों कि आप इस चैनल को इस पेज को दोस्तों जरूर से जरूर फॉलो करिएगा और आपको हम चाहेंगे कि दोस्तों कि आपको हर मैच की यहाँ पर अपडेट है दोस्तों स्ट्रीम है हम आपके साथ लाते रहेंगे तो इसी के साथ दोस्तों आज आपको मैच देखने को मिलेगा श्रीलंका प्रीमियर लीग का ये दोस्तों ये नौवा मुकाबला है आवर वी लव कैंडी वर्सेस पर जाफना किंग्स के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जा रहा है और यह मुकाबला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी टीम दोस्तों किस टीम के साथ भारी पड़ती है और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टॉस की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों टॉस यहाँ पर जीता है दोस्तों यहाँ पर बी लव कैंडी ने टी वी लव कैंडी ने दोस्तों टॉस जीतकर कर पहले बल्लेबाजी करने का यहाँ पर माफी चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर बी लव ने यहाँ टॉस जीतकर कर करने का निर्णय लिया है और देखेंगे कि ये निर्णय कितना सही साबित होता है दोस्तों कितना गलत और उसी के साथ में बस कुछ ही देर में दोस्तों जाफना किंग्स ये आपके सब ने दोस्तों पर आप देखने को मिलेगी इसी के साथ दोस्तों कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ जाएगा हमारे साथ और आपका स्वागत है दोस्तों स्ट्रीम के साथ फटाफट जुड़ेगा और दोस्तों हम आ चुके हैं आपका इस, इस मैच की स्ट्रीम को लेकर आपके साथ लाइव तो जल्दी जल्दी जुड़ेगा दोस्तों फेसबुक पर जुड़ जाएगा और दोस्तों स्ट्रीम के साथ यहाँ पर जुड़ेगा थोड़ी देर में दोस्तों हम आपके साथ करने जा रहे हैं लाइव मैच दोस्तों आप लोग अपने जो भी सवाल है दोस्तों आप हमारे साथ भेजते रहिएगा इस मैच के लिए और बस थोड़ी देर में दोस्तों हम आपके साथ आ चुके हैं लाइव और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कैंडी लव ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के साथ साथ दोस्तों उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और कहीं ना कहीं दोस्तों ये निर्णय बहुत ही बिल्कुल सही साबित होता हुआ और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जाफरा किंग्स की के टीम दोस्तों यहाँ पर सात रन पर दो विकेट के नुकसान पर दो बहुत बड़े विकेट पहले रहमन गुरबाज आप दोस्तों चले तस्लंका श्रीलंका में देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि जाफना किंग्स बहुत बड़ी दिक्कत में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सात रन पे तीसरे ही ओवर चल रहा है और एंजेलो मैथ्यूज अपने पहले ओवर में दोस्तों विकेट निकाल के गए थे अपने दूसरे ओवर में दोस्तों विकेट निकाला है एंजेलो मैथ्यूज ने मार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक दोस्तों इस मैच में ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने दोस्तों दोनों ओपनर को अपने पहले और दूसरे ओवर में आउट करा है पहले दोस्तों रेमन उल्ला गुरबास

यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए जाफना किंग्स के उस से शुरुआत नहीं हुई और इसी के साथ, दो विकेट हो साथ में आपको बता दें तैयार है संपर्क नहीं देखने को मिला और जिसके कारण दोस्तों डॉट गेंद रही इसी गें के साथ डॉट गेंद के गेंद के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर दोस्तों अभी भी हम कह सकते हैं साथ ही रन का है बिना किसी दो विकेट के नुकसान पर तो कोशिश ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोशिश करी जाए तो दोस्तों डेविड मिलर देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे क्योंकि डेविड मिलर आप बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है और चाहेंगे कि दोस्तों डेविड मिलर अंत तक खड़े रहे अगर डेविड मिलर दोस्तों अंत तक खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है जाफना किंग्स की तरफ इसी के साथ मैं बता दें कि मैथ्यूज उसके यहाँ पर हल्की गेंद को हल्के हाथों से खेला गया है डेविड मिलर के द्वारा में आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा आठ पर दो विकेट के नुकसान पर बहुत तरीके तरीके से तरीके से दोस्तों इसी पर इस मैच को जारी रखना पड़ेगा और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अगर मैं यहाँ से बात करू आपको बता देता हूँ कि जाफना किंग्स जाफना किंग्स दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है एंजलो मैथ्यू सामना करा जाएगा दोस्तों यहाँ पर टंडोई के द्वारा और टंडोई दोस्तों साथ दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन चौका देखने को मिला ही थी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों बार बार बिना दो विकेट के नुकसान पर अगर जाफना किंग्स को दोस्तों यहाँ से इस दलदल से निकलना पड़ेगा तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों को इसी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी लगातार दोस्तों बड़े अच्छे अच्छे शॉट लगाने पड़ेंगे और ये जाफना किंग्स के अगर टॉप ऑन टेबल की अगर मैं बात करता हूँ अगर पॉइंस टेबल की अगर बात कर ली जाए श्रीलंका की तो श्रीलंका की मैं पॉइंस टेबल में जाफना किंग्स सबसे ऊपर है तो हम चाहेंगे कि दोस्तों जाफरा किंग्स सबसे ऊपर रहेगी जो आज अपनी टीम रहेगी दोस्तों वो रहेगी जाफना किंग्स आज जाफना किंग्स को सपोर्ट करेंगे और देखना जाएगा दोस्तों की यहाँ पर वील लव कैंडी किस तरह से यहाँ पर क्योंकि खेलती है इस तरह से इसी तरह के साथ में तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं तीन ओवर समाप्त होने के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर तेरह पर दो विकेट के नुकसान पाए और लास्ट के तीन ओवर बचे हैं मतलब पावर प्ले को अच्छी तरीके से यहाँ पर खेलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अगर जाफना किंग्स अगर अच्छी तरीके से पावर प्ले को बुना लेती है तो हम कह सकते हैं कि जाफना किंग्स इस बार इस मैच में दोबारा वापसी कर सकती है इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ का स्कोर हो चुका है तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर तेरह पर दो विकेट के नुकसान पर हरदोई की अगर मैं बात करता हूँ तो हरदोई चार बॉल में दोस्तों पांच रन बनाकर खेल रहे हैं तो वहीं डेविड मिलर की अगर बात की जाए तो डेविड मिलर तीन बोलो में दोस्तों दो रन बनाकर खेल रहे हैं इसी में एंजलो मैथ्यूज ने क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करके दिखाई है अगर एंजलो मैथ्यूज अपने दो ओवर में दोस्तों यहाँ पर आठ रन दिए हैं और दो विकेट भी निकाले इसी स्थान में रैमन गुरबाज आ चुके हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक अफगानी खिलाड़ी दोस्तों एक यहाँ पर बांग्लादेश खिलाड़ी एक दूसरे के सामने देखा जाएगा किस तरह से करेंगे इसी स्थान में यहाँ पर रैमन गुरबाज तैयार है बात और बात करूँ दोस्तों यहाँ पर मुजीब और रहमान ने क्या बेहतरीन पर पहला ओवर निकाला था पहले ओवर में हमें पांच देखने को मिले इसी में दो है, दो के साथ गुरबाज की अगर बात करी जाए तो अभी तक दोस्तों टीम का स्कोर यहाँ पर तेरह पर है दो विकेट के नुकसान पर अगर इस मैच को अगर जीतना चाहेगी अगर ये मेरी दोस्तों जीतना चाहती है किंग्स तो वहाँ पर हर हाल में दोस्तों साथ मैं बता देता हूं कि जाफना किंग्स का स्कोर हो चुका है जाफरा पर दो विकेट के नुकसान पर रहम गुरु दोस्तों लगातार आप पर वा आपको चाहता हूं। दोस्तों तो दो पर मुझे रहमान बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक दोस्तों पांच गेंदों में मात्र एक रन दिया है दोस्तों पर वो भी पर बल्लेबाज के द्वारा और डेविड मिलर सामना करेंगे दोस्तों यहाँ पर इस ओवर की आखिरी बॉल रहमान यहाँ पर रहमान तैयार है मुझे रहमान डेविड मिलर के लिए देखेंगे डेविड मिलर यहाँ पर इस इस चौथे ओवर की आखिरी बॉल को किस तरह तो से खेला जाता है पर डेविड डेविड मिलर द्वारा में अगली बॉल लेकर तैयार है सामना फिर करेंगे दोस्तों डेविड मिलर और डेविड मिलर ने यहाँ पर कट करने की कोशिश मगर बल्ले बन लेगी सही तरीके से संपर्क नहीं इसी के साथ में आपको बता दें कि चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है चौदह पर दो विकेट के नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे दोस्तों बता दें कि बी लव कैंडी के द्वारा यहाँ पर जाफना किंग्स के ऊपर दोस्तों शिकंजा बनाया जा रहा है देखा 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 जाएगा दोस्तों की जाफना किंग्स

और आपको बता दें दोस्तों दुश्मनता चमीरा दुश्मनता चमीरा दोस्तों की अगर तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं तैयार किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करें बल्लेबाजी का सामना करेंगे दुश्मनता चमीरा ने इससे पहले मैच में बहुत ही अच्छे तरीके से आप पर गेंदबाजी करी थी इसी के साथ में चमीरा ने अगली बॉल लाने के लिए तैयार है सामना करा जाएगा दोस्तों टाहिट के द्वारा और देखेंगे कि यहाँ पर निर्धारित जो बीच बीचे ऊपर में दोस्तों कितने रन बनाए जाते हैं जाफरा किंग्स को इसी के साथ में पहली बॉल लेकर तैयार है पहली बॉल लेकर तैयार है दोस्तों राउंड द विकेट से तोहित के लिए आप देखेंगे कि पहली बॉल को किस तरह से खेला जाता है यहाँ पर में तोहित करतने की पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है राउंड द विकेट से राउंड द विकेट से आते हुए दोस्तों ने गेंद को पटका है और एंकल से गेंद दोस्तों बाहर के लिए जारी है और क्या बेहतरीन शॉट खेला गया है और इसी शॉट पे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही खराब गेंद फेंकी गई थी चमीरा करुणा रत्ने के द्वारा और दोस्तों उस बॉल यहाँ पर उस बॉल पे लिखा था, 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 था दो दोस्तों चौका <laughs> और क्योंकि बता दें कि रोम दिया गया था तोहित तो के द्वारा और तोहित ने ऊपर उसको उसके ऊपर दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से कलात्मक तरीके से तरीके से दोस्तों चौका लगाया इसी चौके के साथ आपको बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा अठारह पर दो विकेट के नुकसान पर और मीरा करुणा रत्ने का दोस्तों बता दें कि दुश्मनता चमीरा का क्या बेहतरीन तरीके से स्वागत हुआ है और जो चौक स्वागत हुआ है दोस्तों वो चौके के साथ स्वागत हो रहा है इसी के साथ में अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है सामना फिर से करा जाएगा तो अब देखेंगे कि कुन्ना रत्ने के कि द्वारा किस तरह से वापसी करी जाती है इसी बात दोस्तों बता दें कि इस बार बैक ऑफ गेंद को दोस्तों उठा दिया है लोमोन की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर फर्क नहीं पड़ता और एक और बेहतरीन चौका और इसी के साथ में दो गेंदों पे दोस्तों दो और चौके आ चुके हैं मतलब दो गेंदों पे दोस्तों दो रन आ चुके हैं और क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए तो ही दोस्तों बता दें आपको बारह तक ग्यारह बॉलों में चौदह रन बनाकर खेल रहे हैं मतलब एक के स्ट्राइक रेट से तीन चौके लगा चुके हैं तोहहीद तो हम चाहेंगे तोहहीद के बल्ले से यहाँ पर रन आना चाहिए जाफना किंग्स के लिए क्यों बता दें कि को दोस्तों पर बांग्लादेशी खिलाड़ी है और बहुत मोटी रकम में दोस्तों पर इनको खरीदा गया इसी क्षण में यहाँ पर बाईस पर दो विकेट के नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से खेलते हुए दोस्तों बता दें कि जिस तरह से शुरुआत हुई यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज ने बहुत तगड़ी शुरुआत करी थी इसी तरह में यहाँ पर अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है तीसरी बॉल सामना करा जाएगा दुष्मनता चमीरा तैयार है इस बार दोस्तों अपने छोर को बदला गया है और छोर बदलने के साथ दोस्तों क्या बता दें कि यहाँ पर कोड भी बदला जाएगा इसी के साथ में अगली बॉल लेकर राउंड हूं विकेट से कट करने की कोशिश मगर इस बार दोस्तों नाकाम रहेंगे गैप ढूंढने में और इसी के साथ बता दी कि तीसरी बॉल डॉट गए क्योंकि शॉट तो अच्छा लगाया था तीसरी बॉल पर दोस्तों मिड ऑन के यहाँ पर खिलाड़ी पर तो बिल्कुल सीधा शॉट था मगर गैप नहीं ढूंढ पाए दोस्तों और उसी में दोस्तों अपने आप से नाराज है तो क्योंकि गेंद तो बहुत अच्छी थी उसके साथ साथ दोस्तों शॉट भी काफी बेहतरीन खेला गया था इसी में जाफना किंग तो विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर और आपको बता दें कि तोहही बारह बोलो में दोस्तों चौदह खेल रहे हैं तो उसी में डेविड मिला चार बोलो में दोस्तों एक रन बनाकर खेल रहे हैं देखा जाएगा कि कैंडी किस तरह से दोस्तों मैच को लेकर आगे बढ़ते हैं इसी के अगली बॉल लेकर आएगा दोस्तों बता दें कि एक और डॉट लगातार दोस्तों बता दें कि दो बॉल पर दो चौके देखने को मिले थे उसके बाद यहां पर सुमंता चमीना ने यहां पर क्या बेहतरीन तरीके से वापसी करी है बिल्कुल दोस्तों मौका नहीं दिया है यहाँ पर अगर मैं आपको बता दू यहाँ पर दोस्तों मौका नहीं दिया है कि तोहित को दोबारा दोस्तों बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश करी गई और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि कि आप तो दो चौके लगाए गए थे तो शुरुआती दो गेंदों पर तो हम चाहेंगे कि लास्ट के दोस्तों जो तीन अभी भी दोस्तों दो गेंदे बची हैं और देखेंगे कि लास्ट के दो गेंदों पर और कितने रन बनाए जा सकते हैं दोस्तों दुश्मनता चमीरा के ऊपर तो इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है दुश्मनता चमीरा यहाँ पर ओवर द कवर और इसी के साथ में अगली बॉल एक बार फिर से दोस्तों बैक ऑफ लेंथ मगर इस बार दोस्तों यहाँ पर बैक ऑफ लेंथ को सही तरीके से पढ़ा गया था और आपको बता दें कि आसानी से एक रन देखने को मिलेगा इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तेईस पर दो विकेट के नुकसान पर और ये पावर दोस्तों बता दें कि आखिरी गेंद है आखिरी बॉल देखकर दुष्वंता चमीरा यहाँ पर डेविड मिलर के सामने रहेंगे और देखा जाएगा कि डेविड मिलर किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे अगर मैं आपको बता देता हूँ चार बोलों में दोस्तों यहाँ पर एक रन बनाकर खेल रहे हैं डेविड मिलर और ये डेविड मिलर की दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पांचवी गेंद होने जा रही है चमीरा की आखिरी बॉल है सामने दोस्तों बल्लेबाज यहाँ पर डेविड मिलर अब देखना होगा कि डेविड मिलर आखिरी बॉल को किस तरह से खेलते हैं मेरे हिसाब से डेविड मिलर को दोस्तों अपने हाथ खोलने चाहिए इसी के साथ में फिर से दुश्मनता चमीरा द विकेट से एंगल के साथ गेंद लाने की कोशिश करी जाएगी अंदर डेविड मिलर के लिए मगर उसी तरीके से गेंद अंदर भी आई और दोस्तों बाल बाल बच्चे डेविड मिलर और दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से यहां पर गेन करी इसी के साथ में बता दें आपको दो गेनों पर दो चौके आने के बाद और दुश्मनता चमीरा ने क्या बेहतरीन तरीके से वापसी करी दुश्मनता चमीरा का पहले ओवर में देखने को मिले रन चौबीस रन पर टीम का स्कोर हो चुका है तेईस पर दो विकेट के नुकसान पर पांच ओवर की समाप्ति के, के बाद ये पावर प्ले का दोस्तों बता दे कि आखिरी ओवर होने वाला है पावर प्ले का आखिरी ओवर है देखेंगे की मुजीब किस तरह से अपना ये देखेंगे की अगला दोस्तों मुजीब लेकर आते हैं दोस्तों या फिर देखेंगे की एंजुलो मैथ्यूज अपना अगला ओवर लेकर आते हैं मगर देखना होगा कि दोस्तों अगला ओवर कौन सा बल्लेबाज लेकर आता है इसी के सर में अगर स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर दोस्तों यहाँ से हो चुका है यहाँ पर जाफर किंग्स का तेईस व दो विकेट के नुकसान पर और एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं तोहीद के पास स्ट्राइक रहेगी जो मुजीबुर रहमान अपना अगला ओवर लेकर आ रहे हैं मुजीबुर रहमान का ये तीसरा ओवर होने वाला है तीसरे ओवर के साथ टीम का स्कोर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि इसी सर में जो यहाँ पर तैयार हैं इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तैयार हैं